वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एशियन पोएट्री एंड टॉक शो विथ डॉक्टर साहेब खंडारे। मित्रों, माँ इस शब्द के लिए कई भाषाओं में कई सारे शब्द हैं, जैसे कि हिंदी में माँ कहा जाता है, मराठी में माए कहा जाता है, गुजराती में बा कहा जाता है, या फिर नेपाली में आमा कहा जाता है। शब्द कोई भी हो, लेकिन ममता की मूर्ति जो माँ होती है, वह हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक जिस देह को हमने धारण किया होता है, उस देह के हर एक अंग में या खून के हर एक कतरे में अपनी अपनी माँ बसी होती है, क्योंकि माँ सर्वश्रेष्ठ है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ कोई है तो वो सिर्फ माँ हो सकती है। उसी ने हमें 9 महीने उसके कोख में पाला होता है, फिर शिशु अवस्था में हमारी पूरी तरह से देखभाल की होती है, यहाँ तक कि हमारे सांसों को सांस देने वाली, दुनिया दिखाने वाली अगर कोई होती है तो वो माँ होती है। माँ सिर्फ एहसास नहीं है, माँ सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, माँ एक चैतन्य का, एक प्रस्फुरण का नाम है जो सदैव हमारे दिल के अंदर रहती है। हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को वो माफ कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा न्यायालय है जहाँ न्याय होता है, ऐसा कौन सा न्यायालय है कि वहाँ हर गुनाह माफ होता है, और वो न्याय मंदिर है माँ, जहाँ उसके बच्चे की हर एक बात को, हर एक गुनाह को, हर एक चीज को माफ किया जाता है, और सिर्फ प्यार ही, ममता ही दी जाती है। ऐसे माँ पर दुनिया की कई भाषाओं में कई कविताएं लिखी गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भाषा नहीं होगी कि जिसने माँ के ऊपर कविता नहीं लिखी होगी। माँ की सिर्फ ममता पे काव्य नहीं हुआ है, माँ के होने पर सिर्फ काव्य नहीं हुआ है, माँ के प्यार पर सिर्फ काव्य नहीं हुआ है, तो माँ के एहसास पर भी काव्य नहीं हुआ है। इन सब पर तो काव्य हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंतर आत्मा में जो बसी माँ होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारा काव्य लिखा गया है। देखो मित्रों, हिंदी के एक कवि आलोक जी कहते हैं, चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, चिंतन दर्शन जीवन सर्जन, रूह नजर पर छाई अम्मा, रूह नजर पर छाई अम्मा, सारे घट घूं शोर शराबा, सारे घर में शोर शराबा, सूनापन तनहाई अम्मा। यानी मराठी में भी हमारे एक बहुत श्रेष्ठ कवि फमू शिंदे हैं, उनकी माँ नाम की एक कविता मराठी में बहुत बहुत चर्चित है। उस कविता में उन्होंने कहा है कि आई एक नाव असत, घरातल्या घरात गजबज लेल गाव असत, माने कि मात्र माँ में ही मैं मेरा परिवार देखता हूँ, मैं मेरा गांव देखता हूँ, मैं मेरा देश देखता हूँ। वो होती है तब महसूस नहीं होती, और जब नहीं होती है तब वो नहीं है, ऐसा कहा नहीं जाता। इस भाव विभोरता से ही माँ का गुणगान सभी भाषाओं में हुआ है। वैसे ही शैलेंद्र जी कहते हैं, चूल्हे की जलती रोटी सी तेज आंच में जलती माँ, चूल्हे की जलती रोटी सी तेज आंच में जलती माँ, भीतर भीतर बल्कि भीतर भी बाहर नहीं उबलती माँ। हृदय के अंदर जितनी गहराई तक हम जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ माँ ही नजर आएगी। ऐसी ही एक नेपाली कविता, माँ पर रची नेपाली कविता हम सुनने वाले हैं। कवि है शकुंतला धीमान, काठमांडू से है, और माँ के अस्तित्व को लेकर के
माँ के जीवन को लेकर के उनके बच्चों के मन में उनके प्रति क्या भावनाएं होती है, इस भावना को वह उजागर कर रही है। चलो सुनते हैं शकुंतला धीमल की कविता अम्मा। प्रसव कष्ट महीनो भर्यो प्यारी आमा, प्रसव कष्ट महीनो भर्यो प्यारी आमा, यो धरती की देवी पर्यो प्यारी आमा, यो धरती की देवी पर्यो प्यारी आमा, लुकाएर दिलमा सयौ दुख पीड़ा, लुकाएर दिलमा सयौ दुख पीड़ा, अनुपम शीतलता छर्यौ प्यारी आमा, अनुपम शीतलता छर्यौ प्यारी आमा, पिलायो खुशी सब निचोरेर आँसु, पिलायो खुशी सब निचोरेर आँसु, मेरो दर्द पीड़ा हर्यौ प्यारी आमा, मेरो दर्द पीड़ा हर्यौ प्यारी आमा, खुशी मात्र दियौ दुनिया भुलायो, खुशी मात्र दियौ दुनिया भुलायो, चमत्कारी माया गर्यौ प्यारी आमा, चमत्कारी माया गर्यौ प्यारी आमा, कयो पीर बोकी भुलिया फुलाई, कयो पीर बोकी भुलिया फुलाई, सयौं अप्ठेरोमा झर्यौ प्यारी आमा, सयौं अप्ठेरोमा झर्यौ प्यारी आमा।